सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोहित। सो फिलहाल मैं अभी लोहित पे हूँ एंड सो जस्ट राइट हम लोग अभी निकले हैं, खेती में जा रहे हैं हम लोग। वैसे तो आप लोग देख सकते हैं ये नज़ारा जो है, ये जो नज़ारा जो है, ये जो ब्रिज, ये जो नदी आप लोग देख सकते हैं, ये जो नदी है ये बेरेंग है, बेरेंग का नदी है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, ये बेरेंग का ब्रिज जो कि हम लोग इस तरफ ही जाएंगे। एंड एंड सो स्पेशली हम लोग जा रहे हैं, खेती में जा रहे हैं, तो जो कि हम लोग को अलवरी ब्रिज का पास में जाना पड़ेगा, अलवरी ब्रिज का साइड में जाना पड़ेगा, जो कि अलवरी ब्रिज तो हम लोग पार नहीं करेंगे, तो उसका आगे ही हम लोग घुसेंगे, उसका आगे ही हम लोग घुसेंगे जंगल, जंगल का तरफ में। तो खेती जो है जंगल का तरफ ही है, तो हम लोग वैसे कुछ लाएंगे एंड सब्जी वगैरह लाएंगे हम लोग। तो सब्जी में क्या क्या हम लोग प्लागिंग करेंगे, थोड़ने के लिए जा रहे हैं इसे मिर्च, जो छिल्ली जो हम लोग खाते हैं ना सब्जी में, तो वही लेने जाएंगे। एंड देन कुछ क्या है सामान, कुछ सामान जैसे कि मतलब ये सब्जी हो गया, वो सब लाएंगे हम लोग अभी। तो वैसे फिलहाल ये बारिश दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं बारिश, तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर में स्काई जो है पूरा क्लाउडी है। एंड देन बारिश आप लोग देख सकते हैं, बारिश थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। ये नाम बोलो, नाम बोलो। सनिका तेरा बोलो। राहुल रोहन सूरज। स्कूल के लिए रेडी हुआ है? ओ अच्छा, स्कूल बंद है ना 5 दिन। One hour later. सो गाइस अभी बारिश रुक चुका है, तो अभी हम लोग जाएंगे खेती का तरफ में। तो बारिश ऑलमोस्ट रुक चुका है, तो अभी हम मतलब नहीं तो देर हो जाएंगे, तो अभी हम लोग जाते हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए गाइस। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मवीरा का रास्ता, कुछ इस तरह का नज़र आप लोग देख सकते हैं। तो बारिश थोड़ा रुक चुका है अभी। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे खेती पे, तो जो कि जंगल का बीच में है जो खेती, जो सो स्पेशली हम लोग को बॉडी बाइक से आया है, फिर भी मतलब आधा घंटा से ज़्यादा लगा है, 40 और 45 मिनट ऐसा कुछ ही लगा है आने के लिए टाइम में। तो बारिश तो अभी मतलब बारिश मतलब रुकता है, कभी रुकता है, कभी मतलब और आ जाता है, ऐसा ही है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, फिर भी मतलब पहुंच गए हम लोग फाइनली। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये जो जिंजर का जो प्लांटेशन है, आप लोग देख सकते हैं, ये जिंजर का प्लांटेशन आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ का जो लैंड है, यहाँ का जो सॉयल है ना, यहाँ का जो मिट्टी है बहुत ही मतलब पार्टाइल है, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं जंगल में, पूरा जंगल ये जंगल को क्लीन करके मतलब फार्मर लोग क्या करते हैं, मतलब ये खेती करते हैं कुछ भी, मतलब जैसे कि मतलब ये हो गया है आलू, हो गया है आलू, और जैसे कि कुकुम्बर हो गया है, पम्पकिन हो गया है, वेजिटेबल्स मतलब जितना भी वेजिटेबल्स का ये जो आइटम्स है वो करते हैं। तो और ये जो जिंजर है, जिंजर मतलब ये ना मतलब ऑर्गेनिक है, जैसे कि मतलब पूरा मतलब ये ऑर्गेनिक जिंजर है। और
ये देखो आप लोग देखो, ये थोड़ा कुछ नज़र आ रहा है, बड़ा हो गया है। मतलब ये जो जिंजर का जो ये जिंजर का जिंजर जो है ना, आटा जो है पूरा मतलब बड़ा हो गया है। फिलहाल के लिए हम लोग जा रही हैं वो जो चिल्ली गार्डन में जा रही हैं हम लोग, जो कि चिल्ली गार्डन को हम चिल्ड्रन गार्डन को देखेंगे। और उसका बाद में हम लोग क्या है चिल्ली मिर्च जो है हम लोग थोड़ने के लिए जा रहे हैं इसे। तो कल बाजार है ना, बाजार में तो बिकना पड़ेगा ना। ये जो आप लोग देख सकते हैं ना, ये जितना भी मतलब ये है गार्डन है जिंजर का, देखो कितना अच्छा है, सुंदर भी है, देखने भी सुंदर है। और ये जो प्रोडक्शन जो है ना बहुत ही मतलब अच्छा से मतलब तो गाइस अच्छा। और मैं एक चीज दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, तो जैसे तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना बड़ा जंगल है भाई। जंगल का बीच में बीचों बीच में हम लोग आए हुए हैं। जैसे कि ये जो है प्लांटेन फ्लावर भी है, वाइल्ड जो बनाना प्लांट भी है। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जैसे कि टर्मरिक हो गया है, हल्दी हो गया है, वो भी मतलब यहाँ पे है। एंड देन मैं आप लोगों को दिखाने चाहूँगा ये पामकिन, ये जो है पामकिन का खेती भी यहाँ में करते हैं। एंड यहाँ का पामकिन यहाँ से सप्लाई करते हैं, जैसे कि ट्रक से लेने के लिए आते हैं, ट्रक का हिसाब से लेने आते हैं। तो यहाँ का काम करने वाला लोग, यहाँ का फार्मर लोग मतलब ये क्या है पम्पकिन मतलब यहाँ से डायरेक्टली होलसेल का रेट में देते हैं। तो मैं एक पम्पकिन दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप लोग, ये है पक चुका है पूरा, हाँ ऐसा ही कुछ ही है। और बहुत सारा है यहाँ पर भी है हाँ, तो बहुत सारा है मतलब। तो ऐसे यहाँ पे पामकिन बहुत ही महंगा है, जैसे कि होलसेल रेट में 25 काफ़ी हद तक 25-30 ऐसा कुछ ही जाता है बोल रहा है ये लोग, रेट जो है बढ़ जाता है। तो ऐसा ही है मतलब। तो यहाँ से मतलब लार्ज क्वांटिटी में मतलब यहाँ सप्लाई करते हैं होलसेल रेट में, ट्रक का हिसाब से, ट्रक पूरा मतलब फुल लोडेड ट्रक में मतलब ये लोग सप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मतलब ये पामकिन से भी मतलब अच्छी खासी मतलब ये कमाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ ही है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो प्लांटेन वाइल्ड बनाना प्लांटेशन देखिए, हाँ यही कुछ ही है। तो ये जो पामकिन जो प्लांटेशन है ना, ये बहुत ही बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं पूरा नज़र नहीं आ रहा है, देखो बहुत ही दूर है मतलब बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है ना। तो वाइल्ड प्लांटेन फ्लावर हम लोग को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप लोग, ये देखिए सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, देखने में बहुत ही सुंदर है। तो ये देखिए मज़ा लग रहा है ना, अरे यार। तो जैसे कि देखो यहाँ पे मतलब आने का यही फ़ायदा होता है, हाँ क्या ये जो जंगल में आने का यही फ़ायदा होता है कि ऑर्गेनिक जो चीज़ होता है ना, जितना भी ऑर्गेनिक चीज़ होता है वो हम लोग को दिखने मिलते हैं, तो खाने के लिए भी मिलते हैं। तो हम लोग बाज़ार में बिक्री करने के लिए भी लेके जाएंगे और कुछ खाने के लिए भी लेके जाएंगे। सो गाइस फाइनली डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, जो कि मैंने इंट्रो पे बताया था आप लोगों को कि मतलब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या लाएंगे। वैसे मैं और एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये जो चिल्ली जो है ना, मिर्च जो है ना, वो प्लगिंग करने आए हैं, थोड़ने आए हैं, और यहाँ से लेके जाएंगे, कल बाजार है, बाजार में बिक्री करेगी, समझ में आया। तो आप लोगों को दिखाने चाहूँगा ये जो चिल्ली का जो गार्डन है, एंड एज वेल एज साइट में जो है ये जिंजर का भी प्लांटेशन है। तो मैं दोनों को मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। गाइस ये रहा क्या है, चिल्ली जो कि ये पक चुका है, देखो ये
तो ये सब मतलब बहुत बड़ा बड़ा है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, फ्रेश है, मतलब ये कुछ मतलब ये केमिकल यूज़ करने वाला ये नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, फ्रेश है, फ्रेश वाला ही है, समझ में आया? तो ये फ्रेश वाला ही खाना चाहिए, ये जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉरी केमिकल जो यूज़ करने वाला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो क्या है हम लोग का बॉडी में कुछ मतलब इफेक्ट हो जाता है, समझ में आया है? तो ऑर्गेनिक चीज़ ही खाना चाहिए, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक ही है, तो ऑर्गेनिक ही है। एंड देन आप लोग साइड पे देख सकते हैं ये जो है, ये जो क्या है, ये जिंजर प्लांटेशन है, ये जिंजर प्लांटेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। एंड ये देखिए बहुत ही मतलब बड़ा है ये चिल्ली गार्डन। तो कुछ ही देर में गाइस हम लोग क्या करेंगे, प्लगिंग करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो बारिश तो अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा हम मुझे साथ भी पूरा भीग गया है, बाइक से आया हुआ है ना, तो छाता भी नहीं, छाता तो लाया है पर बाइक में तो छाता कैसे करके पकड़ेगा ना, छाता उड़ जाता है। तो वही गाइस मैं अभी प्लगिंग करना स्टार्ट कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है, इतना ही है, तो ये लाल हो चुका है, पूरा फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश एंड ऑर्गेनिक। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम, मेरा ये जो है पहली बार मैं फ्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा कुछ अच्छा से दिखाई ना हमको भाई। माय गॉड, खाने के लिए मन हो रहा है। ओ इतना सुंदर सुंदर चिल्ली है ना, कंप्लीट हो चुका है भाई। को बताना चाहूँगा ये जो हम लोग का ये जो चिल्ली जो गार्डन यहाँ पे आए हुए हैं ना हम लोग चिल्ली गार्डन में, तो ये जो चिल्ली गार्डन है दिस इज़ द फर्स्ट राउंड ही बोलना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड हम लोग प्लगिंग कर रहे हैं चिल्ली का। तो फर्स्ट राउंड में मतलब ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि क्या बोलते हैं हम लोग ज़्यादा नहीं पका है, तो पकने के लिए मतलब टाइम ही लगेगा। और तो आज मतलब पहली बार फर्स्ट राउंड हम लोग ये कर रहे हैं, तो नेक्स्ट राउंड में शायद ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मतलब ये जो फर्स्ट राउंड में कम मतलब ज़्यादा नहीं होता है, समझ में आया है ना? तो ऐसा ही तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इतना घना जंगल देखिए, इतना घना जंगल, घना जंगल का बीच में क्या है, ये जंगल का बीच में क्या है, खेती है, खेती। तो ये जो फेर आप लोग देख सकते हैं, फेर इतना बहुत ही ऊँचा वाला फेर है, वाई 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 वाई, वो तो अच्छा है भाई, देखिए। Some time later. So guys, finally हम लोग कैंप पे आए हुए हैं, अभी खाना बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो छोला में क्या हो गया है भाई, छोला में आग जला है, जला दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग अभी खाना बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो ये है पम्पकिन लीफ जो कि हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा हाथ में भी एक पम्पकिन लीफ का ये है, तो अभी हम लोग बनाएंगे। तो गाइस तो और कुछ खाने वाला है, क्या क्या खाएंगे आप, पम्पकिन लीफ खाएंगे और पम्पकिन भी खाएंगे बना के, तो खाना तो बनाना पड़ेगा, पर पानी नहीं है, पानी लाना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए। तो गाइस खाएंगे आज ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक एनवायरमेंट में ऑर्गेनिक खाना खाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग पानी लेने जा रहे हैं, क्योंकि कैंप में पानी नहीं है, तो पानी ही चाहिए खाना बनाने के लिए। सो हम लोग अभी जाएंगे, तो मैं ले रहा हूँ ये ग्लेन। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा जो पीछे आप लोग कैंप देख रहे हैं ना, तो वहीं पे हम लोग खाना बना रहे हैं, तो खाना बना के खाएंगे, तो शाम को वापस जाएंगे घर में। तो वैसे में आप लोग देख सकते हैं ग्लान, सो ग्लान लेके हम लोग क्या है पानी लेने जा रहे हैं ग्लान से।
तो खाना बनाने के लिए चावल भिजाने के लिए मतलब क्या चाहिए, पानी चाहिए ना, तो पकाने के लिए पानी चाहिए, तो पानी लेने के लिए अभी जा रही हैं नाला पे। ओके जाते हैं ना। तो बारिश, इतना बारिश दिया है ना भाई, इतना बारिश दिया, हम लोग भीग के पूरा क्या हो गया, आधा मोरा हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इतना पानी हो गया है भाई, सही है। सो गाइस फाइनली हम लोग नाला पे पहुंच गए हैं, अभी मैं नाला पे जाऊंगा, तो जस्ट नाला के किनारे पे ही हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे आप अभी आप लोग देख सकते हैं छोटा सा एक, ये क्या है, ब्रिज, छोटा सा ब्रिज है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। एंड ये देखिए, तो ये जो रास्ता है आप लोग देख सकते हैं, ये रास्ता बहुत मतलब और भी गया है। तो पता नहीं, पर मैं अभी तो गया ही नहीं हूँ, अभी मैं नहीं गया हूँ। एंड सही है, बोल रहा है कि मतलब वहाँ पे भी मतलब क्या है, बस्ती है वहाँ पे भी। तो पानी इस तरह का ही है, आप लोग देख सकते हैं पानी इस तरह का ही है। तो पानी बहुत ही मतलब बिल्कुल ही फ्रेश है, ठंडा भी है, तो ऐसा ही कुछ ही है। तो गाइस फाइनली हम लोग पानी लेके जा रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही भारी है, लगभग यहाँ पे 15 लीटर ही होगा पानी, दो ग्लान लेके हम लोग लेके जा रहे हैं, चार ग्लान है मेरा हाथ में, दो ग्लान है, तो ऐसा ही है। तो बहुत ही भारी लग रहा है हमको, पर क्या करेगा, पानी तो बहुत ही मतलब ज़रूरी है, तो लेके तो जाना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। A few moments later. So, अभी हम लोग खाना खाएंगे, तो खाना तैयार हो गया है। तो ये देखिए, ये पम्पकिन लीफ, और ये भी है, और ये क्या है, कुकुम्बर का चटनी खाएंगे। देन ये हो गया है खाना, प्लेट आ गया है, तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। ये है चटनी, ये है मेरा थाली, ये है पम्पकिन लीफ, तो खा रहे हैं हम लोग, आप लोग भी खाना है। सो गाइस अभी हम लोग खाना खा के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इतना ही बचा है पूरा। देखिए ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक सब्जी, बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक है, तो बहुत कुछ खा चुका है और थोड़ा ही बाकी है खाने के लिए, ये भी कंप्लीट करूँगा मैं। मतलब फर्स्ट टाइम ये ऐसा करके ये खा रहा हूँ मैं, तो अच्छा ही लग रहा है, टेस्टी भी है, खाना भी बहुत ही टेस्टी हो गया है। एंड इतना ऑर्गेनिक खाना जो है, इतना ऑर्गेनिक खाना कभी भी नहीं खाया हूँ मैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ठीक है, मैं ये भी मतलब जितना भी बचा है वो मैं कंप्लीट करने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ, कंप्लीट करता हूँ। ओके तो गाइस फाइनली खाना कंप्लीट हो चुका है, पूरा एक थाली खाना खाया हूँ देखिए। तो अभी हाँ, थाली को, प्लेट को अभी धुलाना है, और हाथ को भी धुलाना है, छापा करना है। One hour later. तो दोस्तों मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कुकुम्बर, खीरा जो बोलते हैं ना हम लोग, तो ये है खीरा, ये देखो ये भी हो रहा है, देखो ये साइड में भी एक है खीरा,
बहुत सुंदर ऑर्गेनिक है तो खाने में भी टेस्टी है। तो दोस्त लोग आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया। पसंद आने से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं और एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।